नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहतास नगर। हमारे साथ अल्पसंख्यक दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं वसीम अहमद वारसी जी। वारसी साहब, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, जब ये कोरोना महामारी 2020 और 21 में 2 साल से जो इतनी बीमारी, जो इतनी लोगों तक महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आपने अपने लोगों के बीच में या अल्पसंख्यकों या जो भी अन्य जाति के, कैसे आपका सपोर्ट रहा लोगों के बीच? बहुत बड़े सपोर्ट रहा और हमने किसी के लिए भी फ़ोटो वगैरह कुछ ना, हमारे लोगों ने मना कर दिया था, हमने मना करा कि इसका कोई फ़ोटो का कोई मतलब नहीं है, ना हम फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि हमें खल्क खिदमत करनी, लोगों की मदद करनी है। बिल्कुल, हमने एक अल्लाह की रज़ा के लिए काम करा है, ठीक है, ना कि अपने राजनीति चमकाने के लिए। राजनीति करने तो होर्डिंग पोस्टर लगा सकते थे हम, पर हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, ना हमारे लोगों ने, किसी ने भी। हमारे साथ 20-25 लोग थे, हमारे क्षेत्र के मौजूद आदमी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने पूरा कच्चा खाना भी और पका हुआ भी के लोगों को दिन में मतलब 700-800 लोगों का रोज। सर, क्या ऑक्सीजन को लेकर भी कोई भूमिका आप कर रहे हैं क्षेत्र में? जो ऐसा वक्त के हिसाब से हम चले, वक्त के हिसाब से। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते हैं। सरकार लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, क्या इस चीज़ को लेकर भी आपने लोगों को जागरूक किया? हाँ, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने लगवाया। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान डर के भाग रहे हैं, जी ऐसा कुछ नहीं है। 85 लोगों ने हमारे यहाँ सेंटर बना हुआ था लगवाया। हाँ, राम मंदिर बराबर में हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर में वहाँ था एक, उसका सेंटर बना हुआ, उसमें लोगों ने यहाँ लगवाए और पूरा सहयोग दिया है। वहाँ आप जाकर उसको सर्वे भी कर सकते हो, उन लोगों का रिकॉर्ड भी है। भाई, रिकॉर्ड थोड़ी झूठ बोलेगा। अच्छा वसीम भाई, आपका जो राजनीतिक सफ़र है, जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है, कैसे और कितने वर्षों से जुड़ा आपका? होगा, मेरा तो शुरू से ही है, मैं समझ लो 5 साल की उम्र से अपने पिताजी के साथ में हूँ। ओके, तब से चल रहा है ये। तब से चल रहा है। तो क्या आपका बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ था? हाँ, मेरे पिताजी है ना, उनके पिताजी, ये तो हमारे शुरू से चला रहा है कि घर में, हमारे खानदान में कोई ना कोई एक राजनीति में रहता है। ओके। जो खल की खिदमत करता है, लोगों की मदद करता है, उसको सिर्फ यही काम दिया जाता है कि उसे सिर्फ लोगों की मदद करनी है, रात दिन किसी टाइम भी। अच्छा वसीम भाई, ये बताइए, जैसे आपको पार्टी ने अभी अल्पसंख्यक दिल्ली प्रदेश से मंत्री बनाया है, तो आप क्या आने वाले क्या प्लान है, संगठन को, समाज को कैसे लेकर चलना चाह रहे हैं? पहली बात तो लोगों को सहन में से गलत फहमी निकालनी है कि भाजपा मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, जो मोदी जी ने लोगों के लिए स्कीमें दी हैं, जी सर, उन लोगों को हम पब्लिक के सामने लाएंगे जो अब तक नहीं आई है। वहाँ से पास हो जाती हैं, लोगों तक पहुँचती भी है, पर वो आम जनता जैसे जैसे जय जय कॉलोनी है हमारी, वो यहाँ तक आनी चाहिए। उनको हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, ये भी तो पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमी हम लोगों की है, जो हमारे यहाँ जो पार्टी के वर्कर है, हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को जो मोर्चे के हैं, उन्हें अपने भाइयों को मदद दिलानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिख समाज भी तो ले रहा है, जैन समाज भी ले रहा है, सभी ले रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, पूरे देश को मोदी जी सहयोग कर रहे हैं, पूरे देश का सहयोग कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये नारा है मोदी जी का, हम भी इसको मानना है, हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं। और सर, इस समय जो महंगाई का दर जो बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल दाम, सिलेंडर के दाम, इसका जिम्मेदार कौन है? इससे कहीं ना कहीं आम जनता पर असर पड़ रहा है इस महामारी से के बीच में। देखो भैया, ऐसा है, ये तो नेशनल लेवल की बात है, ठीक है। मेरा घर परिवार मुझे बता, मैं कैसे चला रहा हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है। वो किस तरह से चला रहा है, क्या कमी दिख रही है? अब ये तो नहीं कि सारा पैसा पेट्रोल पे लगा दो, देश में और भी काम है जी। और बड़े बड़े बिजली, खाली हम तो क्षेत्र में सफाई को देख रहे हैं, कूड़ा नहीं उठा रहा है, या चलो इसको भी देख रहे हैं, देश के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें, देश चल रहा है, देश खाली बोलने से थोड़ी चलता भाई साहब, पैसा चल रहा है, पैसा लगता है। कब तक ये मतलब इस चीज़ से राहत कब तक मिल सकती है महंगाई से? रहता ही तो राष्ट्रीय और सेंट्रल टीम तय करेगी कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। अच्छा, यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, सर सेकंड टाइम जीते हैं यहाँ से, कोई उनका काम बताएंगे लोकसभा में क्या क्या वर्क हुआ? मनोज तिवारी जी, जो भी अभी देखो कहीं मत जाओ, सबके अब तो सिस्टम तो बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक कांग्रेस के निगम पार्षद को जी फंड दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। ओके। अभी चौधरी जुबैर हैं, चौहान बागर से चुनाव हुए थे जी, जी है ना, उपचुनाव उसमें जीते हैं, उनको अभी मनोज तिवारी जी ने दिया फंड दिए, जबकि वहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी का है। ओके। तो पता लग जाएगा विकास हो रहा नहीं हो रहा है। अब वो उनकी नालायकी, अगर वो उनका नाम नहीं लें, भाई आप मुझसे पैसा ले रहे हैं और आप मेरा नाम नहीं करते, ये फिर उसकी नालायकी ना जो पैसा लेकर आया। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उसका नाम जैसा अपना वोट लगा, साथ में उनका भी वोट नाम लिखना चाहिए। बिल्कुल। कहिए मनोज तिवारी जी ने, पर वो ऐसा करेंगे नहीं। ओके। क्योंकि उनकी राजनीति खराब होगी उससे। अच्छा, मिशन 2022 MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। 15 साल से दिल्ली में MCD है, आने वाला समय कैसा रहेगा सर 22 में? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेगा जैसे पहले रहा। इस बार भी तीनों मेयर होंगे और सारे निगम पार्षद भाजपा के बनेंगे। सर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना घर बना रही है दिल्ली में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जो काम कर रही है, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं आम जनता बदलाव चाहती है इस बार?
कोई बदलाव नहीं चाहती, ये वक्त बताएगा, क्योंकि पता लग जाएगा अभी बिजली की हालत देख लो सबके साथ। केजरीवाल जी पूरे देश में घूम रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं दिल्ली में बिजली फ्री है, कौन कह रहा बिजली फ्री है। हमारे तो पब्लिक लूटी जा रही है, मरी जा रही है, गरीबों से पूछो उनके कितने कितने बिल आ रहा है, इतना बिल, इतना इतना बिल आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। अच्छा, आप एक बार पता करो उनसे, पता बताएंगे कि हाँ भाई क्या हालात है। पर क्या उन्होंने जो उनका टॉपिक है ना वो दिल में घुसने वाला, वो लोगों को मजबूर करते हैं, बीजेपी तरफ से भड़काते हैं, मोदी जी को डर लाते हैं कौन से देश में के अंदर भाजपा की सरकार है। अभी देखो जो कुछ आदित्यों ने गलत लोगों ने जंतर मंतर कुछ प्रदर्शन करा था, माइनॉरिटी की तरफ से हमारे आतिफ रशीद जी है कमीशन में वाइस चेयरमैन, उन्होंने उनको आज ही मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल में, वहाँ DCP को डिप्टी कमिश्नर को उनको उन्होंने तलब किया, बात करी और 6 लोगों को उनको अरेस्ट किया जी। तो ये भाजपा ही तो करा रही, कौन है भाई केंद्र किसकी है जी। तो केजरीवाल उनके खिलाफ तो बोला भी नहीं क्योंकि उनका हिंदू वोट कट जाएगा। अच्छा ये बताइए सर, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है MCD चुनाव को लेकर, क्या आप इस चीज़ को लेके आगे तैयार हैं सर? देखिए ये पार्टी की मर्जी है और अभी तक इससे कोई सोच विचार नहीं है, क्योंकि अभी तो अपना खुद का करियर बनाना है। ओके, चुनाव लड़ना कोई आसान थोड़ी है जी। मैं हम ऐसा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी होगा, हम पता कुछ नहीं है। आजकल क्या होता है कि जोश जोश में शौक में पैसे बल पे लोग टिकट ले आते हैं, उसका भुगतान जनता को करना पड़ता है। पहले हम सीख लें कि हमें एक पार्षद को क्या करना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या बनना चाहिए। पार्टी का पार्टी बेहतर समझती है, लगता है उनके वसीम वारसी इस काबिल है जी। तो पार्टी को सलाम पहले भी और अभी, हमें कोई शिकायत नहीं, नाम का भी टिकट की दौड़ में रहे ना, सोचा ना आगे सोचेंगे कभी। पार्टी जहाँ पद देगी, अब देखो बिना मांगे पार्टी ने हमें प्रदेश में मंत्री बनाया, बिल्कुल हमने कोई डिमांड थोड़ी थी। तो पार्टी को लगता है भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है कि जब बिन मांगे लोगों को चीज़ मिलती है, एक नीचे से लेके ऊपर, नीचे से उठ के बंदा प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल भाई, आप एक कोई संस्था चला रहे हैं? संस्था चला रहा हूँ, नाम से चल रही है हमारा समाज वेलफेयर सोसाइटी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ओके, क्या वर्क कर रहे हैं इसके माध्यम से आप? इसका तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है हमारे यहाँ, तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 2,500 मेरे क्षेत्र में है, वाल्मीकि समाज वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और लोग भी हैं अपने मुस्लिम समाज भी है, मतलब सिख समाज सभी धर्मों से हैं लगभग हमारे यहाँ, यहाँ हैं 1,000-2,000 आदमी मेरे अपने इसी वार्ड में है जो हमारी NGO से हैं, और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं हम, ऑल इंडिया पुलिस प्रशासन भागीदारी में काम करते हैं। कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है उस पर हम पूरी हमारी NGO पूरी तैयारी के साथ रहती है, हमें ना किसी से हम फंड इकट्ठा करते हैं ना कुछ करते, हमारे कार्यकर्ता अपना काम अपने आप करता है। क्या शिक्षा से या स्वास्थ्य संबंधित वर्क कर रही है? अभी हम लोग सबसे पहले जो है शिक्षा स्वास्थ्य के तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या कर रही है? हम लोग जो कर रहे हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आजकल के लोग जो हमारे बच्चे नौजवान हमारे छोटे भाई बड़े भाई कुछ थोड़ी सी हवा स्टेम चेंज है, ओके, गलत राह पे चल रहा है, हम उनको अधिकारी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, उनको राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे 12वीं क्लास 8वीं क्लास 10वीं क्लास 9वीं क्लास में 5वीं क्लास में हैं तो क्या करते हैं वो उसका बहाना लेके उसकी आड़ में बदमाशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, नशे कर रहे हैं, और जब वो अधिकारी में बैठने लायक बनेंगे ना, अभी से उनकी दिल में बनेगी तो वो अपना बचाएंगे, यार मैंने भी इस अधिकारी के साथ बैठता हूँ मैं, तो यार ऐसा ना हो कहीं हमारा नाम खराब हो जाए, तो उनके जब दिल में डर होगा ना, वो ना नशा करेंगे ना चोरी करेंगे ना बदमाशी करेंगे, कहीं ना कहीं आप युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल सही रास्ते आ रहे हैं, और हमें अभी 2-4 दिन में हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल DCP साहब से मीटिंग भी करने वाले हैं, इस हिसाब से बात हुई है, उस लेकर हम काम करेंगे, लोग हर जगह क्षेत्र में अभी स्टार्टिंग अपने वेलकम वार्ड से कर रहे हैं हम, बाकी इंशाल्लाह इजाज़त से उम्मीद है हम पूरी दिल्ली कवर करेंगे। तो यह हमारी सीधी बात वसीम अहमद वारसी जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता, ठीक करूँगा।